ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला दिवस पर बात हो रही है नारी के सम्मान के बारे में। हम बात करेंगे बेटी के बारे में। बेटी जिसको लेकर कहा जाता है कि जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है घर में आई है, उनका वास हुआ है घर में। आपने महसूस भी किया होगा कि आपके घर में खुशहाली आई है। हो सकता है जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, तो नौकरी के साथ साथ प्रमोशन भी मिला। ये तभी हुआ जब आपकी बिटिया रानी आपके घर आंगन में जो है आई हैं। ऐसे में आचार्य जी इनके सम्मान के लिए भी कुछ खास उपाय बताएं आप। बिल्कुल, देखिए भारतवर्ष का कानून भी महिलाओं को सम्मान और समान दर्जा देने के हक में रहा है हमेशा से। बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम आज हैं ही नहीं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है। यहां तक कि प्रॉपर्टीज में भी अब पुत्रों के बराबर ही कानूनन हक पुत्रियों का भी है, मतलब अब वहां से भी इनको समानता का हक मिलता है। लेकिन कई बार हम मुद्दे पे आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कानूनी रूप से लोग लड़ने लग जाते हैं कि नहीं नहीं उसको क्यों दिया जाए, बेटी को क्यों मिलेगा। तमाम तरह की विसंगतियां आ जाती हैं, दुराव आ जाता है मन में, अब वह प्रताड़ित होती है। खूब सारे केसेस भी हमारे पास आते हैं कि भाई खुद बहन के लिए पिता के सामने, उसकी पुत्री के सामने नहीं चाहता, पिता मजबूर हो जाता है। लेकिन आज पिता मजबूर नहीं रहेगा, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है और पिता से ज्यादा पुत्री के लिए समर्पित शायद ही कोई इस पृथ्वी पर रहता हो। उपाय हम बताएंगे यदि आपको लगता है कि बेटी के प्रति कहीं ना कहीं दुराव या फिर दुर्भाव आ रहा है या फिर बेटी को वो हक वो सम्मान आप नहीं दिलवा पा रहे हैं। उपाय बहुत छोटा सा लेकिन बेहद खास, बहुत आसान। एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और उस पर हल्का सा गुड़ रख दीजिएगा, एक चुटकी नमक डालिएगा, सामने रख करके देवी कवच का पूरा पाठ एक बार कर लीजिएगा। देवी कवच का पाठ करने के बाद पूरी सामग्री को बिटिया के सर से वार के पीपल के नीचे रख दीजिएगा। बेटी चाहे एक दिन की हो या बेटी चाहे पचासों साल की हो, अगर आपकी पुत्री है तो आप यह उपाय जरूर अपनाइएगा, आज के दिन अपनाइएगा, जिससे उसको उसका सम्मान मिले, उसका हक मिले और वह भी शान से जिए, हर तरह से प्रसन्न रहे। जी हाँ, और लक भी आपका साथ निभाए पूरे 24 घंटे। इसके लिए अब आप सभी नोट कीजिए राशि के अनुसार लकी अक्षर। चलिए वो खास अक्षर आप तक पहुंच रहा है जो आपके भाग्य को बढ़ा देता है। मेष के लिए है रा अक्षर और वृषभ के लिए ज। मिथुन राशि द अक्षर है और कर्क के लिए द। सिंह राशि ऋषि वाला री और कन्या के लिए व। तुला राशि के लिए श अक्षर है और वृश्चिक के लिए य। धनु राशि के लिए फा अक्षर है और मकर के लिए खा। कुंभ राशि के लिए ळ अक्षर और मीन के लिए था। ये सारे अक्षर आप सब अपनी अपनी राशि के अनुसार नोट कर चुके हैं। प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, भाग्य के अंश को बढ़ाते रहे। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे एक मेल पर भी। आप भी मेल कर सकते हैं हमें, हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए कल atmhliveindia.tv। ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है वर्षा और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1996 10:00 PM मुंबई। ये जानना चाहती है कि इनका अपना खुद का घर कब होगा, ये संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या ये इनके लिए सही रहेगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि ये काफी रूड हैं, इरिटेटिंग हैं, नेगेटिव इनके जो है ख्यालात हैं। ऐसे में ये अकेली रहना पसंद करती हैं, कोई इनका दोस्त भी नहीं बनता, क्या करें ये। वर्षा जी देखिए कुंडली आपकी, आपने बहुत अच्छा लगा कि इन सारी चीजों को आपने स्वतः स्वीकार कर लिया। मंगल शनि और सूर्य साथ में, केतु भी है वैसे लेकिन केतु को हम अभी हटा रहे, ये तीन चार ग्रह एक साथ जो बैठे हैं आपकी कुंडली में आपके नेचर को बहुत ज्यादा रूखा बना रहे हैं। सौम्यता ले आए, संगीत के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल, ऐसा ही संकेत दिख रहा है। एक अच्छाई केवल चंद्रमा और शुक्र की उपस्थिति एक साथ है, वैसे अवस्था अभी बहुत कम है तो अभी आप साधना कर सकती हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पहले बिस्तर त्याग करके जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करिए। बड़ों का आशीर्वाद खूब लेते रहे आप और प्रातःकाल कुछ देर नंगे पांव हरी घास पे टहलें, इससे आपकी कुंडली का द्वितीय भाव मजबूत होगा। सौम्यता आएगी कम से कम वाणी में,
व्यवहार में भले ना ले आइए, वाणी से आप सौम्य बन जाएंगी तो बहुतों को आप अपना बना सकती हैं, आपके अपने दोस्त रहेंगे और आप प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन कर सकती हैं। जी, और आइए आपको अगली जानकारी में बात करेंगे पत्नी जो कि आपकी जीवन संगनी है, जिन्होंने आपके साथ शादी के बाद आपका सरनेम लिया और आपके सिर की सभी जिम्मेदारियां भी अपने सिर पे ली, आपके परिवार का जो है पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, सभी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। ऐसे में इनके सम्मान के लिए भी आपको कुछ उपाय करने हैं, तभी आपके परिवार का कल्याण भी होगा। क्या है वो उपाय, आइए बताते हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, अन्यथा आप कल्पना करिए कि जब आप अपनी माँ को छोड़ करके दो चार दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो कितनी यादों से आप तड़प जाते हैं, और वह लड़की जो एक जगह पर 20 वर्ष 25 वर्ष बिताई है सब कुछ छोड़ करके चली आई, एक अलग संस्कार में, एक अलग समाज में, एक अलग व्यवहार में, एक पर पुरुष के पास, एक पर परिवार के पास, वो बस सोच कर महसूस करने वाला जज्बा है, बस महसूस कर सकते हैं आप, हृदय से महसूस करना है। ऐसी पत्नी को आप अगर यथोचित सम्मान नहीं दे रहे तो आपसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पे नहीं है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, शब्द हमारा यही रहेगा, पापी। यथोचित सम्मान दीजिए अपनी पत्नी को आप, उधर से प्रत्युत्तर में क्या मिलता है उससे मतलब नहीं है कि वो दे तो हम देंगे, आप क्यों नहीं देते हैं, शुरुआत अपने से करिए। चलिए बताते हैं उपाय हम आपको। एक इत्र की शीशी लेना है, छोटी कांच की शीशी आती है, और उसके अंदर गुलाब की 7 पंखुड़ियों का रस निचोड़ दीजिएगा। अब सीधे हाथ में कुछ देर के लिए लेकर के, स्क्रीन पर थोड़ा सा गलत अभी चल रहा है, वो दूसरा चल रहा है, आपको पत्नी का हम बता रहे हैं। एक इत्र की शीशी लीजिए, ये आ गया है, गुलाब की 7 पंखुड़ियों का रस उसमें डालिएगा, सीधे हाथ में लेकर के कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और फिर इस इत्र को आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा लगाने के लिए। रत्ती भर भी अगर आपके अंदर सम्मान भाव होगा तो रत्ती भर से बहुत ज्यादा सम्मान भाव आ जाएगा और आप दोनों बहुत प्रसन्न रहेंगे। महिला दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला के खास 4 रूपों के बारे में आज हमने बताया और उनके सम्मान के लिए आपसे आग्रह किया, आप जितना सम्मान करेंगे आपको भी उतना सम्मान मिलेगा। जी हाँ, और अब हम बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशिफल में शुरुआत पहली 6 राशियों से हो रही है, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक के जातक, जानिए पहले अपना राशिफल। प्रॉपर्टी में निवेश अगर आप करना चाहें मेष वाले तो आज जरूर कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। जोखिम के कार्यों से अपने आप को बचा के रखें, रिस्क नहीं लेना है। सफेद रंग शुभ है, असित प्रसिद्ध का भाग्य। वृषभ, करियर संबंधी परेशानियां आज आपकी दूर हो रही है, वाहन सावधानी से चलाएं, गुलाबी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, परिवार पर खास ध्यान दीजिए, नए रिश्ते बनेंगे, सफेद रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके सामने है। कर्क राशि, कार्यों में परेशानी आ सकती है, सोच समझ कर निर्णय लें, नीला रंग शुभ है और 55% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, खरीदारी के लिए समय शुभ है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पीला रंग शुभ रहेगा, 63% का भाग्य आपके सानिध्य में है। कन्या, नौकरी में प्रमोशन के आसार रहेंगे, शादी का योग बना हुआ है, हरा रंग शुभ रहेगा, 61% का भाग्य आपके सानिध्य में। तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन कानपुर से अंशुल जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मैम गुड मॉर्निंग, पंडित जी नमस्ते, अंशुल सिंह बोल रहा हूँ। राधे राधे भैया जी। राधे राधे सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1995। समय समय है सुबह के 8:30 बजे, जगह है औरैया यूपी। जी क्या सवाल है आपका? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी राशि क्या है और मतलब कि मेरे सरकारी जॉब के योग है कि नहीं है, कब तक है, और मैंने मतलब कोचिंग स्टार्ट की है मम्मी के नाम से, वो मतलब चलेगी या नहीं चलेगी, ये सारे में जानना चाहता हूँ। जी देखिए, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी वृषभ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने कोचिंग सेंटर शुरू किया है, बहुत बढ़िया चलेगा। सरकारी नौकरी के योग बाबू आपकी कुंडली में नहीं है, बृहस्पति मंगल एक साथ बैठे, एक साथ साथ और प्रोफेशन हम बता देते हैं, एक और व्यापार कर सकते हैं आप जिम चला सकते हैं, व्यायामशाला आप चला सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है और शनिदेव की महान कृपा आपके लग्न को मिल रही है।
मंगल शनि में दृष्टिगत संबंध है, मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को दशम दृष्टि से देख रहा है, दोनों स्थितियों में जिम बहुत अच्छा चलता है। तो पश्चिम मुखी जिम कोई लेकर के आप चलाना शुरू करिए, पैसे से नहा लेंगे, बहुत प्यारी कुंडली है जी। और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जनसेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028, ईमेल kisancoop@gmail.com। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत की ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग, March 20th बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो आज इस पिटारे में क्या है खास सामग्री आपकी किचन से जुड़ी हुई, आइए अब आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जो पूरी रसोई संभालती है, आज उनके स्वास्थ्य को हम आप मिलकर संभालते हैं, चर्चा कर रहे हैं माँ के बारे में। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूरे घर को वो स्वस्थ रखती हैं, अच्छे भोजन बनाती हैं, तो आज एक सामग्री के द्वारा माँ के स्वास्थ्य पर आप सब ध्यान दे सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकता है। आज इसके अंदर सामग्री है पीली सरसों। पीली सरसों का प्रयोग माँ के स्वास्थ्य के लिए कैसे उत्तम रहेगा, यह आप देखिएगा। पहले इसके विषय में जान लें थोड़ा सा। येलो मस्टर्ड सीड कहते हैं इसको इंग्लिश में। इनके दानों में विटामिन A, C और K पाया जाता है। पीली सरसों के सेवन से भूख खुल जाती है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। बृहस्पति और मंगल का प्रभाव इसके अंदर विद्यमान है। अब इसका प्रयोग देखिएगा। एक कटोरी में 7 चुटकी पीली सरसों लीजिएगा, ऐसे चुटकी बनाइएगा और 7 चुटकी ले लीजिए, और 3 चुटकी नमक डालना है इसके अंदर। नमक अर्थात रोग का जनक यहाँ पर शनि को हमने प्रस्तावित किया है, और साथ साथ पीली सरसों क्योंकि मंगल उसके साथ कनेक्टेड है तो शनि को मंगल शांत कर देते हैं। लॉजिक्स के साथ समझते जाइए। सामने रखकर ओम ह्रीं शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप 108 बार कर लीजिएगा, और माँ के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मार लीजिएगा। इसके बाद पीपल के नीचे ले जाकर के रख दीजिए, कटोरी वापस लेकर अपने घर आइए। यह प्रयोग 3-4 दिन करिएगा, माँ का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दवाइयाँ नहीं सूट कर रही थी तो सूट करने लग जाएंगी, और माँ स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में भी, तो तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल अब जान लेते हैं।
तला वालों को आज दोपहर के बाद कुछ खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, पर्स अपने पास न रखिएगा, वाद विवाद न करें, गुलाबी रंग शुभ रहेगा, 51% का भाग्य आपके साथ रहेगा। ये आगे आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए अगर अपना नोट करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि, कोई आपका प्रियजन आपसे आज भेंट करेगा, गुप्त बातों को न बताएं, काला रंग शुभ है, 53% का भाग्य है। धनु, सेहत का खास ख्याल रखिए, यदि आपकी राशि धनु है। रुके हुए कार्य बनेंगे, स्लेटी रंग की शुभता है, 57% का भाग्य है। मकर राशि, दिन भाग दौड़ वाला रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पीला रंग शुभ है आज, 62% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, गोल्डन रंग शुभ होगा, 60% का भाग्य आपके सारे दिन। मीन राशि, कुछ अवसर मिले तो उसको हाथ से न स्किप होने दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दें, गृह रंग की शुभता है, 58% का भाग्य जी। और आइए अब हम बात करेंगे एक और मेल पर भी, मेल्स बहुत सारी आई हुई है हमारे पास, और ऐसी एक मेल आई है अंशु सिंह की, जो अपनी बेटी शिवाली सिंह के बारे में जानना चाहती हैं, और इनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 2008, समय है 6:54 PM पुणे। ये जानना चाहती हैं कि इनकी जो बेटी है उनका भविष्य कैसा है, पढ़ाई को लेकर के भी बताएं थोड़ा सा, और साथ ही साथ क्या वो प्रोफेसर बन सकती हैं, ये चाहती हैं कि वो प्रोफेसर बने, और उनके चरित्र के बारे में, और बड़ों की जो है इज्जत करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी, ये तमाम चीजें बताएं, और क्या ये विदेश जा पाएंगी ये भी बताएं। देखिए, प्रोफेसर बन जाएंगी तो कहां विदेश भेजेंगी आप, वैसे गेस्ट लेक्चर के रूप में जा ही सकते हैं वहां पे देने के लिए। फिलहाल कुंडली के अनुसार आप इस दिशा में इनको भेज सकती हैं, योग अच्छा है, आपके स्वप्न पूर्ण हो रहे हैं, गुड़िया का जन्मांक बहुत प्यारा है, सूर्य शनि एक साथ है, सिंह लग्न है, लग्न में ही शनि की उपस्थिति, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नेचर रहेगा, अग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो निजी जीवन इसका प्रभावित रहेगा, उसके बारे में एक बार ग्रह शांति के निमित्त जरूर मुलाकात करने का हमसे प्रयास करिएगा। रविवार के दिन गुड़िया के हाथों से गेहूं का दान करवाना न भूलिएगा, जितना हो सके बाल लंबा रखवाइएगा और नाखून छोटा रहे, हालांकि बहुत छोटी गुड़िया भी है, हाँ फिर भी दो चीजों का ध्यान रखना है कि मांसाहार स्पर्श न करने पाए, जितना हो सके गायत्री जाप करवाएं, सूर्य जिससे इसका स्ट्रांग हो जाए और प्रोफेशन जल्दी बन जाए जी। लखनऊ से अब दीपक जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो जी दीपक जी। हाँ आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम बंद के बारे में पूछना चाहते हैं दीपक, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप जी। अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 16 मार्च जी, और तेज कर लीजिए जी, 16 मार्च। दीपक जी देखिए, आपसे कहना चाह रहे हैं वो आप सुन लीजिए, चाहे टीवी के माध्यम से ही सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, ऐसे तो आपकी डिटेल्स हम तक नहीं पहुंच पाएंगे अच्छे से जी। 16 मार्च 2009 यानी सुनेंगे 2009, और समय 7:15 जी। ये एएम है या पीएम? एएम है। और प्लेस? प्लेस लखनऊ। क्या सवाल है आपका? बिटिया के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके बिटिया के मार्फत से मेरा काम धंधा नहीं चलता है, तो इसमें हमारा काम भी नहीं ठीक, नौकरी कब मिलेगी जी। दीपक जी देखिए, कुंडली इनकी मीन लग्न की है, और लग्न में ही शुक्र चुका है, गुड़िया की कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कुंडली से जो दशम भाव है, पिता भाव, दशमेश बृहस्पति नीच राशि में राहु के साथ है, ये बहुत बड़ा दूषित योग बना रहा है। केले का पौधा आप अपने हाथों से बेटी का हाथ स्पर्श करके आप कहीं रखवा दीजिएगा, और शनिवार के दिन लोहे का बर्तन दान कराइए, काम भी चलेगा, बेटी स्वस्थ भी रहेगी जी। मंडी हिमाचल प्रदेश से अमित जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। अमित आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अमित से संपर्क टूटा है, आप सब मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी नोट कीजिएगा latemhliveindia.tv। और ये इतनी सारी जानकारियां, यानी कि हम चाहते थे कि हमारे जो कार्यक्रम का मकसद है महिलाओं का सम्मान, वाकई ये सच ही कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान में ही आपका कल्याण छुपा हुआ है, तो एक बार फिर से महिला दिवस की सभी महिलाओं को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल सुबह 8 बजे क्या खास लेकर आने वाले हैं आप? बिल्कुल देखिए, कल आपकी सभी उंगलियों के बारे में हम बताएंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी उंगली ज्यादा छोटी है या बीच वाली बहुत बड़ी हो गई है, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या रहस्य छिपा है,
पांचों उंगलियां बराबर नहीं कहावत सुनते थे, लेकिन क्यों बराबर नहीं है ये कल आप जानेंगे और इसके पीछे सब कुछ हम आपको बताएंगे। उपाय नहीं, सिर्फ जानकारी, पहले ही सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। जी हाँ, तो देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।